हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स पे। हमारा सीरीज चल रहा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जो कि आपके बीएड, डीएलएड और एमबीए तीनों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हर पार्ट में कुछ ना कुछ तब्दीली करके, चेंजेस करके 10 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उर्दू में, ताकि आपको मटेरियल मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि क्वेश्चंस कैसे हैं, आपके हेल्प आपका हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर बेकार है तो फिर इसको चेंज करेंगे क्वेश्चंस, या जो भी है आप इसको कमेंट में थोड़ा बताइए। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो रिलीवेंट है कि नहीं है आपके टेस्ट के हिसाब से। मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके रखा है, उसको भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं या सिलेबस के बाहर के हैं, या बता सकते हैं आप कमेंट में। तो थोड़ा सा कमेंट करने की जहमत कीजिए और बताइए कि कैसा आपको ये लग रहा है, ठीक है। तो ये 10th पार्ट है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 पार्ट हो चुके हैं, आपको अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि कैसा लग रहा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, ठीक है, हार्ड है या ईजी है, बहुत ईजी है। इससे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मानू एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्रुप है हमारा, जहाँ पे हम फ्रीली मुहैया कराते हैं मटेरियल्स, ठीक है। और इसके अलावा जूम पे हमारी क्लासेस भी चलती हैं, अगर आप फ्री क्लासेस भी चाहें तो फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, मानू पॉलिटेक्निक के लिए, या बीएड के लिए। और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, पेड में भी आप जा सकते हैं, पेड क्लासेस भी कर सकते हैं जूम के थ्रू ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारा सेब फल सुपरमार्केट, ठीक है। ये आपको इसमें रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है, ठीक है। सेब है, सुपरमार्केट है, फल है। सेब, फल और सुपरमार्केट, ये तीनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन इन तीनों का भी होना चाहिए, नावेल, किताब और ये क्वेश्चन मार्क पे। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क पे इन चार में से जो सबसे सही आंसर है उसको चूज करके यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। तो सेब, फल और सुपरमार्केट का क्या रिलेशन है। सेब जो है वो एक फल है, ठीक है, और फल कहाँ मिलता है, सुपरमार्केट से हम फल खरीद के लाते हैं। तो वैसे नावेल क्या है, नावेल एक तरह की किताब है, किताब की एक शक्ल है नावेल, ठीक है। फल की एक शक्ल है सेब, तो किताब की एक शक्ल है नावेल। किताब मिलती कहाँ पे है, तो ये किताब की दुकान पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इसको कुतुब खाना भी बोल सकते हैं, ठीक है। किताब की दुकान की जगह पे अगर उर्दू में कुतुब खाना अगर बोल दिया, ठीक है, कुतुब खाना अगर बोल दिया तो आपको आंसर कुतुब खाना पे ही लगाना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मैगजीन तो नहीं होगा, सब्जी भी नहीं होगा, खरीदारी भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चंस को चेंज भी करते हैं, ठीक है। आंसर्स कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शंस किताबों की दुकान ही हो, वहाँ पे कुतुब खाना भी बोल सकते हैं, या इससे भी कोई टफ उर्दू का वर्ड होगा तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो वहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। बेसिकली मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट ही होता है, ठीक है। लॉजिकल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इन चार मुतबादलात में से मालूम करें कि जब शफाफ शीट को बूंदीदार वाली लाइन पर जोड़ दिया जाए तो पैटर्न कैसे जाहिर होगा। कहने का मतलब यह है कि ये एक पेपर, ये एक्स, ये अलग है और ये चार अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फिगर में आप देखिए, ये बूंदीदार जो लाइन है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन के पास से अगर पेपर को मोड़ दिया जाए तो कौन, इन चारों में से कौन सी शक्ल बनेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप मोड़ेंगे, पलटेंगे, यहाँ से मोड़ देंगे इस पेपर को, हाफ ऑफ कर देंगे, फाड़ के नहीं, मोड़ के, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा वाला दिखेगा, ये ट्राइंगल उठ के इसी के ऊपर आ जाएगा, तो ये दिखेगा, और ये जो आएगा, ये जो हाफ सर्किल है यानी सेमी सर्किल जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मोड़ के आएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये शक्ल कहाँ पे है आपकी, ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर में ये शक्ल आपको दिख रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि सी आपका आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ए की 3
ए के तीन बच्चे हैं तो इस तरह हमने ए डाल दिया, इसके तीन बच्चे हैं, एक दो तीन, ठीक है। बी सी का भाई है, ठीक है, बी सी का भाई है, बी हो गया, सी बी जो है ये सी का भाई है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है, भाई को, या सी यहाँ लिख देंगे और बी को इधर लिख देंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर से एक बार करते हैं, ठीक है, तो ये तीन हो गए। सी जो है बी सी का भाई है, तो बी यहाँ पे भाई है, मैं बोलता हूँ राइट साइड में लिखने के लिए, और बहन लेफ्ट साइड में, तो बी सी का भाई है, तो सी कोई जरूरी नहीं है कि बहन हो या भाई हो, कुछ भी हो सकता है, सी भाई का भी भाई हो सकता है, बहन का भी भाई हो सकता है, आगे पता चलेगा हमें कि सी क्या है, ठीक है भाई। और सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो सी बहन, ये तो कंफर्म हो गया कि सी बहन है डी की, ठीक है, सी डी की बहन है, बी सी का भाई, यानी ये तीनों भाई बहन हो गए, लेकिन डी का भी कंफर्म नहीं है कि भाई है कि बहन है, ठीक है। ई की शौहर की सिर्फ एक ही बेटी है, ई के शौहर की, ई जो है एक ही बीवी है, ई जो है वो एक ही बीवी है, ठीक है, तो हम बीवी को साथ में रखेंगे, ए और ई एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ई जो एक ही बीवी है, ठीक है। डी की माँ है, डी की माँ है, यानी कि ये माँ हो गई, ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गए, तो ये माँ तो हो ही जाएगी। ई के शौहर की सिर्फ एक ही बेटी है, ई की शौहर की एक ही बेटी है, यानी कि सी ये बेटी हो गई, ये अब कंफर्म हो गया कि ये लड़का है, ठीक है, ये दोनों लड़के हो गए और ये लड़की हो गए। अब बताना है आपको कि डी और बी का क्या ताल्लुक है, डी और बी का क्या ताल्लुक है, तो दोनों बेटे हो गए इनके, तो दोनों भाई हो गए आपस में, सिंपल है। तो इस तरह करके आप कैसे भी कोई सा भी रिलेशन का क्वेश्चन हो आप बहुत ही इजी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर राइट लेफ्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको आप प्लस माइनस का भी साइन दे सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको कंफर्म हो जाए कि वो लड़की लड़का है, तो आप प्लस लड़का के लिए, माइनस के लिए, माइनस लड़की के लिए यूज करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, अदद और शुमार का इंतखाब करें जो बाकी से मुख्तलिफ है, ठीक है, तो बाकी से कौन मुख्तलिफ है, ये चार हैं, एक दो तीन चार, इन चारों फिगर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि फिगर में क्या फर्क है, ठीक है। ये देखिए, जो भी डिवीजन हो रहा है वो सारे डिवीजन बराबर, चार इसमें है, चार इसमें है, चार इसमें, ठीक है, और इसमें सिर्फ दो डिवीजन है, तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा क्या फर्क है, इससे ज्यादा फर्क ये है कि इसका जो है, इसका जो डिवीजन है, इसका डिवीजन बराबर नहीं है, फोर का जो डिवीजन है वो बराबर नहीं है, ठीक है। ये दो है, इसमें चार, इसमें चार, इसमें चार है, तो इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो खैर आप फोर ही आंसर बताएंगे, क्योंकि ये मेरे मेथड से है, यानी कि यहाँ पे जो एरिया डिवीजन जो है, चारों डिवीजन सब, ये डिवीजन बराबर है, ये इसके बराबर है, ये चारों आपस में बराबर है, ठीक है, ये भी चारों आपस में बराबर है, ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये डिवीजन जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर भागों में नहीं बटा हुआ है, तो इसलिए ये फोर डिफरेंट हो गया, मुख्तलिफ हो गया, इसलिए आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरह से भी आप बता सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरह से क्या बता सकते हैं कि चार डिवीजन, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार को आप देखोगे स्टार्टिंग में, एक नजर में देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, ये चार है, ये चार है, ये चार है, ये दो है, तो इसको डिफरेंट कर दिया, लेकिन नहीं, थोड़ा गौर से उसमें देखना पड़ता है, इतना ईजी रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं क्वेश्चन देने का, तो थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये छोटे बड़े इसमें डिवीजन है, इसमें सब में बराबर है, तो इस ये आप लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5, इस सिलसिले को देखें, ठीक है, आगे क्या नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, तो मैंने जो बताया वो आपको पहले क्या बताया हूँ, अगर डिफरेंस, अगर इन दो का डिफरेंस अगर कम है तो वहां पे प्लस माइनस का ही खेल होगा, ठीक है, और अगर डिफरेंस ज्यादा है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 18 के बाद सीधा 54 हो गया, तो यहाँ पे जब डिफरेंस ज्यादा रहता है तो वहां पे मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का खेल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवीजन देखेंगे, माइनस माइनस देख लेते हैं, अगर आपको देखना है तो माइनस भी देख सकते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 6 और 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, और 54 में से 18 माइनस करेंगे तो
8, 6, 14 और यहाँ पे 4, 3, 1, 4, 36, ठीक है। तो 4, 4, 3, 12, 12, 3, 36, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 36 + 3 कितना हो जाएगा, 36 + 3, 3, 3, 18, 1 और 3, 3, 9, 1, 10, 108, इसमें 108 जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें सीधा देख लें क्या डिवीजन में क्या मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जा रहा है, ठीक है। 6 × 3 करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। 18 × 3 करेंगे तो 3 × 8 = 24 हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 करते जाएंगे तो आ जाएगा, फिर इसमें 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12 + 2 = 1 3 × 5 = 15 + 1 = 16 ठीक है। 54 अगर इसमें जोड़ भी देंगे तो 8 × 4 = 12 + 2 = 1 5 × 1 = 162, ठीक है। तो दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो दूसरा वाला तरीका है वो ज़्यादा इजी तरीका है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा इजी तरीका है करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आपके MBA में पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक के टेस्ट में पूछा जाता है, BEd के भी टेस्ट, पॉलिटेक्निक में भी, DLED, ठीक है, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BEd तीनों में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आप लोगों के। फिर से एक बार कहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमेशा ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट और GK का सीरीज चल रहा है, ये चलता रहेगा, ठीक है। बाकी और भी साइंस के भी सीरीज आने वाले हैं और मैथ्स का भी चल रहा है। थोड़ा मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है इसके, उसका थोड़ा धीरे धीरे चलता है, ठीक है। मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है, उर्दू में उसको कन्वर्ट करना, फिर उसको सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद उसको आसान से आसान तरीके से आपको बताना, तो उसमें ज्यादा वक्त लग जाता है, इसलिए उसके उसका पार्ट थोड़ा कम आता है, ठीक है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको मुहैया कराया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अलामतों की तरतीब को गौर से देखें। ये जो अलामत है, ठीक है, इनको गौर से देखें और इसका नमूना तलाश करें, ठीक है, सही नमूना मुंतसब करें। ये आंसर है, ये चारों आंसर है और ये आपको इसमें, इसमें और इसमें ये कैसे चेंज हो रहा है और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। वाट का निशान यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो सिंपल है, यहाँ देखिए ये S लिखा हुआ है और इस S को कैसे गिराया है, ऐसे इस तरफ गिराया है, ठीक है। तो इसका आपका यूं बन गया, ठीक है। तो अभी क्या, इधर गिराया, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, ये चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, ये जो है इसकी शक्ल देखिए, ठीक है, ये S उल्टा S है, ये फिर सीधा S गिरा हुआ है, यानी ये S सीधा गिरा हुआ है, ठीक है, और ये खड़ा हो गया, ये उल्टा ही S खड़ा हुआ, फिर वापस से ये जो देखिए पहला फर्स्ट जो शक्ल है, ये फर्स्ट वाला फिर से यहाँ पे आ गया, सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला फिर से रिपीट होगा फोर्थ में। तो सेकंड जो शक्ल है ये वाला, आप इसमें आंसर में देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए ये उल्टा है, ये आपको सीधा चाहिए, ठीक है, ये गिरा हुआ चाहिए, पहले गिरा हुआ फिर खड़ा है, ये वाला, ठीक है। ये जो है ये सेम शक्ल है जो सेकंड था, तो यही रिपीट होने वाला है फोर्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। डाइस टाइप का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे डाइस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ईंट है ये, ठीक है, यह ईंट है। तो यहाँ पे एक ईंट की दो पोजिशन नीचे दिखाई गई है, जब नंबर 3 ऊपर की तरफ होगा, 3 यहाँ पे टॉप पे अगर 3 होगा तो कौन सा नंबर निचले हिस्से में होगा। तो निचले टॉप यानी 3, सिंपल सा क्वेश्चन अगर बोला जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 3 वाला जो शक्ल है उसके पीछे क्या दिखेगा, यानी यहाँ पे 3 है तो इसके पीछे क्या दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये दो शक्ल से अंदाज लगाना है। तो क्या किया है, ये देखिए पतला और मोटा, ये जो है ये ब्रेथ, ये हाइट है, इसकी हाइट कम है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो इसको खड़ा किया, यानी ऐसे खड़ा किया, ठीक है, ऐसे खड़ा करके फिर ऐसे करके ये है, पहला ये टर्न लिया है और सेकंड टर्न ऐसे लिया, ठीक है। तभी क्या होगा, पहले इसको खड़ा करेंगे, 2 को 2 यहाँ पे है ना आपका, इसको देखिए 2 को खड़ा करेंगे, उसके बाद उसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब हमारा ये ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें इसको, इस ईंट को ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसको सीधा करना पड़ेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको
नीचे करेंगे तो टू हमारा ऐसे खड़ा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब आप देखिए कि टू को ऐसे खड़ा किया तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे है टू को ऐसे खड़ा किया तो पांच चला गया इधर, ठीक है, पांच इधर चला गया और ये जो इसके नीचे है पांच के जो नीचे है वो इधर दिखा, ठीक है। उसको फिर नीचे किया तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये टर्न फर्स्ट वाला टर्न लेने के बाद ये पोजीशन चेंज नहीं होगा, सेकंड टर्न लेने के बाद जो फर्स्ट पोजीशन रहेगा वही सेम, ये सेकंड में भी ये फेस सेम रहेगा, बस ये टू जो है वो ऊपर से नीचे यहाँ सामने आ जाएगा और इसके जो पीछे है वो सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, नहीं सिक्स के नीचे क्या है वन है, ठीक है। टू यहाँ पे है, आप अपने दिमाग में इसको घुमा के देखिए, तो जब फर्स्ट आप खड़ा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट खड़ा करेंगे तो कुछ इस टाइप का शक्ल बनेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का शक्ल बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू, ठीक है। जब इसको फर्स्ट वाला मैं कह रहा हूँ, इसको ऊपर करेंगे तो, और ये वन वहीं का वहीं रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका वन टू थ्री, ठीक, ऐसा शक्ल आएगा वन फर्स्ट टर्न के बाद। फिर सेकंड टर्न में इसको जब नीचे लेंगे तो ये वाला शक्ल आ जाएगा, ठीक है, इसके दोनों के बीच में ये शक्ल आना है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीन के पीछे क्या होगा, तीन के पीछे जब तो खड़ा करेंगे तो यहाँ पे तीन आ जाएगा, तीन के ये कहाँ चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, यानी कि तीन के पीछे चला जाएगा, तो तीन के बैक में क्या हो जाएगा फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में है नहीं फाइव, ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लेंगे, आंसर हो जाएगा इसका फाइव, ठीक है, इसी एक में भी कर सकते हैं, तो आंसर इसका फाइव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर एट। वो लफ्ज मुंतखिब करें जो बाकी से मुख्तलिफ है, ठीक है, ऋग्वेद है ये, ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है अथर्वेद और डी में है आयुर्वेद, ठीक है। तो इसमें अलग कौन सा होगा, तो आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है वेदास की तो ये तीनों ए बी सी क्या है, ये तीनों वेदास के नाम है और ये जो आयुर्वेद है वो किसी वेदा का नाम है बल्कि ये पैथी है, यानी कि इलाज करने का एक तरीका है, आयुर्वेद जो है वो इलाज करने का एक तरीका है, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाएं जिससे मिलती हैं, ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक होता है तो आयुर्वेद क्या है, ये इलाज का एक तरीका है, बाकी ये तीनों क्या है वेदास है, किताबें हैं, ठीक है, सेक्रेट किताबें हैं हिंदू मजहब की, ठीक है। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो गया, डी हो गया आपका आंसर, आयुर्वेद से इन सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। अमर अकबर और एंथोनी की कुल उम्र 80 साल है, ठीक है, तीन लोग हैं, तीनों की कुल उम्र 80 साल है, तीन साल पहले उनकी उम्र कितनी थी, तीन साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी, तो तीनों में से तीन तीन साल घटा देंगे तीनों की उम्र को, तो कितना साल घट जाएगा, 9 साल घट जाएगा, तो 81 माइनस का 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा आपका 71 बचेगा, ठीक है, 71 प्लस 9 80 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ए पी आर एक्स एस और जेड एक कतार में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, यानी ये चार, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हैं, छः कतार में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी कतार कैसे बनेगा वो बताने, कौन किसके पीछे आगे पीछे बैठा है, तो एस जो है, एस और जेड मरकज में है, ठीक है, तो एस और जेड मरकज में मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ए और पी इख्तिताम पर है, मान लीजिए कि राइट से शुरू हो रहा है लेफ्ट में, ठीक है, ऐसे हम जा रहे हैं, तो इख्तिताम पे कौन है, ए और पी इख्तिताम पे है, तो ए और पी इख्तिताम पे है, ए आर के बाएं तरफ बैठा है, ए आर के बाएं तरफ बैठा है, ठीक है, तो बीच में आर हो गया, ये इख्तिताम ए, आर के बाएं ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है, ए आर के बाएं बैठा है, ए जो है आर के बाएं बैठा है, ठीक है, इधर तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि ये इख्तिताम पे है ए और पी, ठीक है, पी के दाएं कौन है, पी के दाहिने कौन है, तो पी के दाहिने कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है, पी के दाहिने ए हो गया। अगर आप बोलेंगे कि ए और पी इख्तिताम पे बैठे हैं, अगर ऐसे लिखेंगे
तो ये जमेगा नहीं, फिर आर ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा आपका, ये कंडीशन है आर के बाएं बैठा है, ए आर के बाएं बैठा है, तो आर का बाया अगर यहाँ पे ये इख्तिताम पे इधर आर रखेंगे तो आर के बाएं नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको पी ए ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पी के दाहिने कौन हो गया, ए हो गया, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइव क्लासेस भी चलती हैं उसको भी ज्वाइन कीजिए। ये तो प्रीमियर क्लासेस हैं, ठीक है, ये प्रीमियर क्लासेस होती हैं, इसमें हम लाइव नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए अपना चेक करने के लिए, ठीक है। रिप्लाई हम देखते रहते हैं उस टाइम, आपको रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। लाइव नहीं होते, यानी पढ़ाने का जो सिस्टम होता है वो पढ़ा चुके होते हैं, पढ़ाने का सिस्टम लाइव में होता है, ये प्रीमियर होता है, इसमें हम पहले पढ़ा चुके थे लेकिन आपके कमेंट्स देखते रहते हैं, आपके आंसर चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जीके में दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोज में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।